दोस्तों, आर्ट का नाम सुनते ही दिमाग में कैनवस, कलर्स और ब्रशेस ही आते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक लैब में भी आर्ट बन सकती है? OMG, ये है जीते जागते ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया से बनी आर्ट। और इसे बनाने वाले आर्टिस्ट हैं डॉक्टर बलराम खमारी, जो पेशे से एक बायोलॉजिस्ट हैं। और इनसे मिलने हम पहुंचे हैं आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी शहर में। यहाँ के श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बलराम ने लैब में लाइव बैक्टीरिया से आर्ट बनाना शुरू किया। ये है लिविंग ब्रीदिंग आर्ट और जानी जाती है अगर आर्ट के नाम से। पर ये अगर है क्या भला? आपने सुना होगा कि डिफरेंट फूड आइटम्स में भी जेलीज में अगर यूज होता है, क्योंकि अगर इज समथिंग जो बॉयल करके उसको ठंडा करने पे वो जेली बन जाता है। तो हमको बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए एक सेमी सॉलिड मीडिया चाहिए होता है, उसके लिए अगर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम जैसे मोल्ड्स में जेली सेट करते हैं, वैसे लैब में पेट्री डिश में अगर को सेट किया जाता है, फिर सेट होने के बाद आर्ट बनाई जाती है। वैसे तो बलराम को बचपन से आर्ट का शौक था, पर जब वो PhD सेकेंड ईयर में थे, तब उनके सीनियर ने उन्हें अगर आर्ट के बारे में बताया। और क्योंकि बलराम को बैक्टीरिया हैंडल करने का एक्सपीरियंस था, इसीलिए उन्होंने इस OMG आर्ट को बहुत जल्द ही सीख लिया। तो आइए आपको दिखाते हैं ये OMG आर्ट बनती कैसे है। इस आर्ट को बनाने के लिए बलराम सबसे पहले पेट्री डिश में अगर पाउडर को जेली में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो आर्ट बनानी है उसके स्केच को पेट्री डिश के नीचे चिपकाते हैं, और फिर जेली पे आर्ट की आउटलाइंस को ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेसिंग के लिए वो मेटल लूप का इस्तेमाल करते हैं। आउटलाइंस ट्रेस करने के बाद बलराम मेटल लूप से लाइव बैक्टीरिया पिक करके डिजाइन के अंदर फिल करते हैं, ताकि वो आर्ट को कलर दे सके। एक मिनट, तो क्या बैक्टीरिया भी कलरफुल आते हैं? अरे नहीं भाई, मैं समझाता हूँ। लेट्स से बलराम को आर्ट में लाल, नीला या कोई और कलर भरना है, तो उस कलर के हिसाब से वो वैसे बैक्टीरिया को चूज करते हैं जो अगर के साथ रिएक्ट करके लाल, नीला या फिर कोई और कलर हो जाता है। OMG, आप यही सोच रहे हैं ना कि आर्ट में कलर्स क्यों नहीं दिख रहे? एक्चुअली ये कलर्स 8 से 10 घंटे बाद विजिबल होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया को रिएक्ट और ग्रो करने में इतना टाइम लगता है। हर बार नए बैक्टीरिया को पिक करने से पहले बलराम मेटल लूप को स्टरलाइज करते हैं, ताकि एक बैक्टीरिया दूसरे से मिक्स ना हो, वरना आर्ट के कलर्स भी मिक्स हो जाएंगे। तो जनरली बैक्टीरिया का ऑप्टिमल ग्रोइंग टेम्परेचर 37 डिग्रीज रहता है, तो उसके हिसाब से हमारे इंक्यूबेटर सेट रहते हैं। तो एक बार आर्ट बन गया तो उसको हम इंक्यूबेटर में डाल देते हैं। जो भी आपने डिजाइन बनाया है उसको उभर के आने के लिए आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। और इस आर्ट में इतने माहिर हैं हमारे बलराम जी कि उन्होंने 2020 में हुए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अगर आर्ट कॉम्पिटिशन में जीता सेकेंड प्राइज। लिविंग बैक्टीरिया की आर्ट सुनने में कितना एक्साइटिंग और एडवेंचरस लगता है ना, पर ये बहुत रिस्की भी है। अगर आर्ट आप तभी करें जब आपके पास बायोसेफ्टी कैबिनेट्स हो, आपके पास सारे प्रोटेक्टिव गियर्स अवेलेबल हो, और आपके पास बैक्टीरिया हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि एनी एक्सीडेंट कैन कॉज एक्चुअली डिफरेंट डिजीजेस। सुना, इस लेवल की सेफ्टी होनी चाहिए, वरना अगर आर्ट प्रैक्टिस करना रिस्की है। वैसे बलराम, आपने बैक्टीरिया से आर्ट तो बना ली, अब आगे का क्या प्लान है? I want to go more intricate into the designs. Also, I want to teach people that how you can actually do this. बलराम जी, हमारी यही दुआ है कि इस अनोखी जीती जागती और रिस्की आर्ट को सक्सेसफुली मास्टर करके नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने की जो आपकी ख्वाहिश है वो जल्दी ही पूरी हो। आपके इस यूनिक टैलेंट को OMG ये मेरा इंडिया सैल्यूट करता है।